नमस्ते दोस्तों, मैं ओनली फॉर डिज़ाइन के तरफ से बोल रहा हूँ, दीप सात्रा। तो चलिए आज देखते हैं हाउ टू रिकवर डिलीट फाइल्स एंड डेटा एंड इमेज म्यूजिक वीडियो एवरीथिंग। पेन ड्राइव से डिलीट हुआ या फॉर्मेट हुआ डेटा को हम कैसे रिकवर कर सकते हैं, फॉर्मेट हुआ डेटा को कैसे रिकवर कर सकते, कैसे फिर से हम उसको ला सकते, ये हम आज देखेंगे इस ट्यूटोरियल में। तो मैं दीप सात्रा फ्रॉम ओनली फॉर डिज़ाइंस। पहले सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल को एंड जो बेल बटन है उसको चेक ऑन करिए। तो चलिए देखते स्टार्ट करते हमारा आज का वीडियो। तो मेरे पास एक पेन ड्राइव है, ये मेरे पास पेन ड्राइव है। इस पेन ड्राइव पे कुछ फ़ोटो है, बॉलीवुड हीरोज़ का कुछ फ़ोटो वगैरह है, बाहुबली का है, ये सब है, आपका रणवीर सिंह का है, ये प्रभास जो बाहुबली बोला है, अनिल कपूर का फैमिली का कुछ है, ये कुछ कुछ वीडियो कुछ बॉलीवुड स्टार का है, अक्षय कुमार का है। तो इस पेन ड्राइव को हम फॉर्मेट मारते, पहले राइट क्लिक करके फॉर्मेट देन स्टार्ट कंटिन्यू। ओके, तो मेरा फॉर्मेट कंप्लीट हो गया, ठीक है। अभी इसके अंदर कुछ नहीं है, पूरा एमपीटी है, खाली है। तो हम क्या करते हैं, मेरे पास जो सॉफ्टवेयर है उसका नाम है रिकवर डेटा, डेटा रिकवरी। कहाँ है डेटा रिकवरी, डेटा रिकवरी। तो इसको क्लिक करते हैं देन ओके, देन नेक्स्ट। ये बोल रहा है तुम्हें कौन सा फाइल चाहिए, पिक्चर म्यूजिक डॉक्यूमेंट्स वीडियो आदर्स। तो मुझे क्या चाहिए, पिक्चर चाहिए, इसमें पिक्चर था, देन पिक्चर पे क्लिक किया, देन नेक्स्ट। आई एम नॉट श्योर, मतलब मैं श्योर नहीं हूँ कौन सी ड्राइव में था, ऐसा होगा तो हम नॉट श्योर पे चेक ऑन करेंगे। उसके बाद ऑन माय मीडिया कार्ड या आईपॉड, आईपॉड या मीडिया कार्ड होता तो हम उस पर चेक ऑन करेंगे। माय डॉक्यूमेंट्स, इन माय डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के अंदर रहता तो डॉक्यूमेंट पे चला जाएगा, जैसे एक कंप्यूटर का डॉक्यूमेंट्स है ना हमारा जी, डॉक्यूमेंट्स के अंदर से वो ये करेगा। उसके बाद है इन रिसेल कल बिन, इन रिसेल कल बिन हम चेक ऑन करेगा करेंगे तो ये जो रिसेल कल बिन है, ये रिसेल कल बिन पे वो जाएगा एंड इन ए स्पेसिफिक लोकेशन, स्पेसिफिक लोकेशन पे क्लिक करेंगे तो हम एक स्पेसिफिक ड्राइव स्पेसिफिक फोल्डर पे हम जा सकते। तो मेरा ये रिमूवल डिस्क है, उसके बाद ओके किया। आई एम नॉट श्योर पे क्लिक करेंगे, पूरा जितना ड्राइव है जितना फोल्डर है सब कुछ स्कैन करेगा ये, तो उसको बहुत टाइम लगता है। तो स्पेसिफिक होगा तो टाइम बहुत कंज्यूम हो जाता है, छोटा हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट, देन हम डीपली स्कैन, डीपली स्कैन करेंगे तो प्रॉब्लम क्या है, अगर एक बार में नहीं आया उसके बाद डीपली स्कैन होता है तो वो फाइल आ जाता है, ठीक है। तो स्टार्ट, देखिए ये फाइल एक बार में नहीं हुआ तो बोल रहा है डीपली स्कैन इनेबल करने की है, ठीक है। तो डीपली स्कैन इनेबल करे तो एक आवर लगेगा, एक आवर के आसपास लगेगा या ज़्यादा भी लग सकते, तो उसको हम एक करके इनेबल करने के लिए करने के बाद हो जाएगा, आई एम कंफर्म हो जाएगा शायद, देखते हैं। तो ये थोड़ा टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा, इसमें एक आवर के आसपास लग सकता है, ये 50 मिनट लगते हैं, 25 मिनट लग सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को थोड़ा पुश करके रखते हैं, देखिए अभी भी हो रहा है, अभी भी 10 मिनट बोल रहा है, 59% हुआ है। तो यहाँ पे दो बार स्कैन हो गया, फास्ट बार हो रहा है, इसके बाद और एक बार होगा, उसका टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, उसका झट से हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं और एक बार स्टॉप करता हूँ, बहुत टाइम लग रहा है इसमें, थोड़ा टाइम तो लगेगा ही क्योंकि आपका इम्पोर्टेंट फाइल होगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स होगा, उसको अगर रिकवर करना है तो थोड़ा टाइम लगेगा आपको। देखिए 98% हो गया और 20 सेकेंड बाकी है, तो चलिए देखते क्या होता है फर्स्ट स्टेप में। उसके बाद और एक स्टेप स्कैन होगा, देखिए। तो पहले स्टेप में ही मेरा कुछ वीडियो आ गया, ये आ गया मेरा कुछ डिलीट हुआ वीडियो जो मेरा फाइल में था, पेन ड्राइव में था सब वीडियो। तो हम अगर लेना चाहते तो वीडियो ऐसे करके सिलेक्ट करिए, ऐसे करके सिलेक्ट करके चेक ऑन करके, चेक ऑन करके ये कर दीजिए,
कि रिकॉर्ड फॉर पे क्लिक कीजिए और कहाँ सेव करना है उसके बाद इसे सेव कर दीजिए। ठीक है, डेस्कटॉप पे हमने सेव किया, फाइल फाइव फाइल आ गया, देखिए फाइव फाइल ये आ गया, जो कुछ रणबीर का फ़ोटो था, रणबीर सिंह का कुछ फ़ोटो है, आ गया। तो डेटा रिकवरी, ऐसे डेटा रिकवरी होता है, जो डिलीट हुआ फाइल को या फॉर्मेट हुआ फाइल को हम ऐसे इस सॉफ्टवेयर से रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस सॉफ्टवेयर का लिंक हम वीडियो को डिस्क्रिप्शन पे हम दे देंगे, आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री सॉफ्टवेयर है, पूरा फ्री है, आप यूज़ कर सकते हैं। अगर अच्छा लगे वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।